श्रीमती लोकेट चटर्जी। प्रणाम अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपति अभिभाषण के प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव दैट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा असेंबल्ड इन दिस सेशन आर डीपली ग्रेटफुल टू द प्रेसिडेंट फॉर द एड्रेस व्हिच ही हैज बीन प्लीज्ड टू डिलीवर टू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट टुगेदर ऑन January 29, 2021। मैं चर्चा शुरू की थी सर, इनका लेकिन एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ हैं, उनका अभिभाषण का भाषण शुरू हुआ था, कंटिन्यूस चल रहा था, बीच में अवरोधक आया, इसलिए मैंने उस समय भी कहा था कि इनका भाषण कंटिन्यूस आगे चलेगा, मैंने व्यवस्था दे रखी है। विथ योर परमिशन, मैं चर्चा शुरू की थी सर, लेकिन अर्जेंट हो गया था। मैं वहां से शुरू करती हूँ। मैं राष्ट्रपति जी को प्रणाम करती हूँ, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ। मैं उनको हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने हमारे सरकार के सारे अच्छे कामों का उल्लेख किया है। उन्हें की दिखाए हुए पथ पे चल के हमारा ये सदन इस नए दशक में प्रवेश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और नेताजी 125th बर्थ एनिवर्सरी हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट दिस बर्थडे ऑन 23rd January एज ए पराक्रम दिवस एवरी ईयर। 2021 एक बहुत ही ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस साल में हम आज़ादी के 75 वर्षों में प्रवेश कर रही हूँ। मैं उस आज़ादी के लिए अपना जिंदगी देने वाले वो लोगों को इस सदन के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। हमारा देश ही ऐसा एक देश है जो इतने भाषाओं से, इतने राज्यों से, इतने धर्मों से, इतने विचारधाराओं से, इतने समुदाय से विविध तो है, लेकिन हमारे संविधान से और हमारे सदन से जुड़ा हुए है। नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन मोहन। कश्मीर से 370 धारा हटाना, नोटबंदी का बड़ा फैसला लेना, GST लागू करना, किसान के हित में बड़ा फैसला लेना, कोरोना के टाइम में मुश्किलों में बड़ा फैसला लेना, ये हमारी सरकार ने किया है। उत्तराखंड जे दुर्योग आमरा देखेछी एवं सरकार क्रमागत सरकारेर पाशे काज करे जाच्छे मानुषेर पाशे थेके एवं सरकार के आमरा धन्यवाद जानाई। इस COVID-19 से जंग लड़ने सिखाने वो डॉक्टर्स नर्सेस को हमारे लिए अपने परिवार को छोड़ के भगवान से रूप में देशवासियों का जान बचाया है, इसलिए हम लोग ये सदन के माध्यम से उसको प्रणाम करती हूँ। लेकिन बहुत ही लोग हमारे बीच में नहीं है, कोरोना ने उनका जान ले ली है, इसलिए हम उनके परिवार के लिए विनम्र संवेदना रखते हैं। हमारे 6 आदरणीय सांसद जो काम करते करते कोरोना के टाइम में प्राण दे दी है, हम उनके परिवार के पास खड़े हुए हैं। सबाई रगे बोलते हवे आमादेर प्रणब मुखर्जी कथा। प्रणब बाबू करोना महामारी ओनार प्राण निये निये छे। आम्रा बांगलार गर्व तथा देशेर गर्व के हारिए छी एवं उनी जा काज करे छेन ता इतिहासे सोनार अक्षरे रेखा थाकबे। आम्रा आमादेर बांगलार अभिभावक के हारिए छी। राष्ट्रपति थाकाकालीन उनी सब समय भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक मतन पद देखिए छेन एवं भारतीय जनता पार्टी उनाके सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए छेन एवं तार मध्ये कोनो राजनैतिक स्वार्थ छिलो ना। एवं प्रणब मुखर्जी ताके प्रधानमंत्री मोदी जी के सब समय उल्लेख करेछेन एवं बार बार उनी प्रशंसा करेछेन एवं बोलेछेन He has earned and achieved the prime ministership। अपने से विपरीत विचारधारा के इंसान के दिखाए हुए पथ पे चल के उन्हें सम्मान देके देश के लिए सेवा करना ही डेमोक्रेसी है। एक मिनट माननीय सदस्यगण, सदन के नेता, कांग्रेस के सदन के नेता, आप अपने माननीय सदस्यों को समझाएं और ये गरिमा बनाए रखें। जब भी कभी बोलें एक दूसरे को टोका टोके नहीं करें। जिसको बोलना है या बोलने की स्वतंत्रता है, नो बोलिए नो।
ये हम मोदी जी से दिन रात सीखते हैं। हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि इस नए भारत का नींव, इस नए दशक में हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सदन के माध्यम से रख रहे हैं। बंगाल का मुख्यमंत्री को डेमोक्रेसी का लेसन सीखना बहुत जरूरत है। एक लीडर वही होता है जो कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेके अपने लोगों को सही दिशा दिखाता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा इकोनॉमी अच्छे गति से चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन जैसा कठिन फैसला लेना इतना सरल नहीं था। लेकिन देश के अभिभावक होते हुए देश के हित में देशवासियों का जान बचाया। उन्होंने बार बार कहा, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। विवेकानंद सेड, इन ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हर्ट एंड ब्रेन फॉलो योर हर्ट। मोदी जी अपने जिंदगी में विवेकानंद को जीते हैं, इसीलिए प्रगतिशील पुरुष होने के बावजूद एक दौड़ती हुई इकोनॉमी को रोककर करोड़ों करोड़ों देशवासियों का जान बचाया। उन्होंने ऐसी मुश्किल परिस्थिति में दिमाग का नहीं, दिल का बात सुना, हृदय का बात सुना। ये मोदी जी की दूरदृष्टि है कि जिसने जनता कर्फ्यू लाके पूरा देश को घर में रहने के लिए तैयार किया था, और स्वास्थ्य कर्मी जो आने वाला दिनों में योद्धा बनने वाला था उनको सम्मान देना भी हम लोगों को सिखाया है। जब कोरोना वायरस हमारे देश में प्रवेश किया था, उसके कुछ दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स लोगों का एक हाई प्रोफाइल टीम बना के कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए लगा दिया था। আমার মনে পড়ে যায় সেই কলকাতার কথা, বাংলায় তখন প্লেগের মহামারী, ঘরে ঘরে শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে কলকাতায়। বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা পুরো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে বললেন, আর কোনো ধর্মনীতি এখন নয়, এখন একটাই নীতি, মনুষ্য নীতি। এখন আর কোনো রাজনীতি নয়, এখন একটাই নীতি, মনুষ্য। কারণ মানুষ আমাদের ভালোবাসা, মানুষ আমাদের ঈশ্বর, মানুষকে বাঁচাতেই হবে। এবং আমরা দেখেছি ঘরে ঘরে গিয়ে বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা সেবা করেছেন। এবং এই করোনার সময় লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ, লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ, লক্ষ লক্ষ নিবেদিতা আজকে দেশে রাস্তায় রাস্তায় হসপিটালে নেমেছিল, ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমি তাদেরকে প্রণাম জানাই। 130 करोड़ आबादी वाले देश में डेथ रेट केवल 1.44% है, 1.44% है, यानी कि सरकार का सक्सेस रेट है 98.56%, सक्सेस रेट 98.56%। क्या इसी भी आप नाकामी का आंकड़ा कहेंगे? आप भूटान, नेपाल जाइए, श्रीलंका जाइए, बांग्लादेश जाइए, वो सब देश हमारा प्रधानमंत्री जी को, केंद्रीय सरकार को धन्यवाद दिए हैं। सिर्फ पड़ोसी देश भी नहीं, मोरक्को, मॉरिशस, बहरेन, ब्राजील, सब लोगों को 55 लाख से ज्यादा वैक्सीन अभी भारत ने भेज चुका है। और ब्राजील के राष्ट्रपति नीचे तो मोदी जी का तारीफ किया, उन्होंने बोला लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी का वरदान लेके पहुंच गए था मोदी जी। इस सभी देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को इस वैक्सीन मैत्री और जीवन के अनमोल तोहफे के लिए धन्यवाद किया है। कोई लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि कोरोना के टाइम में इंडिया में रोज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों का मृत्यु होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंडिया में सबसे बड़ा टीकाकरण का प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो गया है, और वो भी टीका है मेड इन इंडिया का टीका है, जो कोवैक्सीन कोविशील्ड है वो भी मेड इन इंडिया का है, आत्मनिर्भर भारत है। वास्तविकता यह है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन हम लोग दे चुके हैं। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देखते मुझे शुरुआत का वो दिन याद आता है जब कोरोना शुरू हुआ था, तब मास्क, पीपी किट बनाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मोदी जी ने उस समय नारा उठाया था
आपदा को अवसर में बदल लेना प्रेरणा दिया था और आत्मनिर्भर अभियान का नारा उठाया था। सिर्फ दो ही महीनों में हमारे रिकॉर्ड्स पीपी किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, लैबोरेटरीज बना के देशवासियों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत दी। पीपी किट्स शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था, जीरो कंपनी था, लेकिन अभी 600 से ज्यादा पीपी किट्स का कंपनी है भारत में। मास्क का कंपनी शुरुआत में सिर्फ तीन था, अभी 3000 से ज्यादा मास्क का कंपनी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। अभी भी कोई देशों में यह टैबलेट बेचता है। होम कमिटी चेयरमैन ने भारत सरकार के कोविड-19 से मुकाबला की तारीफ करते हुए कहा है, एंड आई कोट, द कमिटी अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड अंडरस्टैंड दैट द प्राइमरी एफेक्ट्स ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज टू हैव ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ रेगुलेशंस टू डिले पीक इन्फेक्शंस एंड प्रोवाइड टाइम टू द हेल्थ सिस्टम टू मॉप अप एडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने 80 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के टाइम में राशन दिया है फ्री में, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, देश के किसान लोगों को धन्यवाद देती हूँ और वन नेशन वन कार्ड से सम्मानित करने का प्रक्रिया भी शुरू की है। बंगाल में 6.5 करोड़ से ज्यादा रेशन केंद्रीय सरकार ने भेजा था, लेकिन वो भी बंगाल जाके नाम पूरा परिवर्तन हो गया, खाद्य साथी हो गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना बांग्ला जाते जाते वो बांग्ला आवास योजना हो जाता है। स्वच्छ भारत केंद्रीय सरकार से राज्य सरकार में जाते जाते वो निर्मल बांग्ला हो जाता है। अभी खाद्य साथी हो गया। अभी तो केंद्रीय सरकार ने जो अच्छा क्वालिटी का चावल भेजा था, वो भी राज्य सरकार हमारा बंगाल आते हैं तो वो भी चावल का क्वालिटी भी चेंज हो गया। चावल का क्वालिटी चेंज हो जाता है, स्टैम्प चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। केंद्रीय सरकार ने जो चाल भेजा था, उस चाल टीएमसी के नेता मंत्री के पॉकेट में चला गया है। और सब लोग बोलते हैं, बंगाल का जनता ने स्लोगन दिया है, इस टाइम में नया स्लोगन है, सब लोग सुनिए, ये बहुत अच्छा स्लोगन, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। चाल चोर तृणमूल, चाल चोर सरकार आर नहीं दरकार। 31,000 करोड़ रुपए 21 करोड़ गरीब महिला के जनधन खातों में गई है और 14 करोड़ गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने पैंडेमिक के समय किया है, ये हमारे गर्व का बात है। अरे राजनीति आपके साथ करबेन, आगे राजनीति करते हैं तो हमारे साथ कीजिए, लेकिन किसान के साथ नहीं कीजिए। किसान को तो ठीक से सब कुछ दे दीजिए। सबाई के করোনার সময় যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার হেল্প করেছে, রবীন্দ্রনাথের ওই কথা মনে পড়ে যায়, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরণে, এসো গানে। আপনি বলেঙ্গে তো এ সব টোকা টোকি করেঙ্গে তো ফির মিনে রোকুঙ্গা কিসি কো, আর আপ বলোগে তো মে কিসি কো টোকা টোকি নি করনে দুঙ্গা। আপ বলনা নাই নাই বলনা বলিয়া আপ বলনা কিসি কো টোক নি দেঙ্গে। তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, এসো গন্ধে বরণে, এসো গানে, এসো দুঃখে সুখে, এসো বর্মে, এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে, এসো সকল কর্ম অবসানে। হামারে সরকার নে দেশ কো 22 নয় এমস দিয়ে হ্যায় আর 100 সে জাদা মেডিকেল কলেজ দিয়ে হ্যায়। ইসসে 50,000 নয় সিটস মেডিকেল এডুকেশন মে ভরে হ্যায়। ইস মহামারী আগর না হোতে तो हम लोग को समझ में नहीं आया था कि डॉक्टर्स का नर्स का कितना जरूरत है। आजादी के बाद किसी ने डॉक्टर्स के लिए नहीं सोचा था, लेकिन मोदी जी ने डॉक्टर्स के लिए सोचा है। बंगाल में कल्याणी में भी एक एम्स केंद्रीय सरकार ने दिए है, तो बंगाल की तरफ से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। बजट में भी 25,000 करोड़ रुपए बंगाल के विकास के लिए दिया है।
हमारे चाय बगान नॉर्थ बंगाल में जो टी गार्डन में जो महिला श्रमिक लोग ज्यादा काम करते हैं उसके विकास के लिए भी 1,000 करोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि नॉर्थ बंगाल में जो वुमेन ट्रैफिकिंग होता है वो थोड़ा सा कम आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए, डीबीटी के माध्यम से 42 करोड़ बेनिफिशियरीज को खाते में पहुंच गया है। आज पैसा गरीबों तक पहुंचने से पहले घिसता नहीं है, सीधा उनके पॉकेट में घुस जाता है। यह फर्क है हमारी सरकार का। 2,800 करोड़ रुपए नेशनल सोशल असिस्टेंट के माध्यम से वृद्धा, विकलांग और विधवा तक पहुंचता है। जिसका संसार में कोई नहीं है उसका संसार में मोदी जी का सरकार है। 5,000 करोड़ रुपए हमारे श्रमिकों को दिया गया है, उन्हें जॉब कार्ड देने का सोच हमारे सरकार ने किया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में करोड़ों से ज्यादा लोगों को घर वापस करना ये हमारे सरकार ने किया है। हर COVID-19 होले तो ना होले तो हम लोग बुझते ही पड़तम ना जे बांग्ला थे के 50 लाख श्रमिक राज्य बाहर काज करते गए। श्रमिक बांग्लाय कोनो शिल्प नहीं, 10 बचरे दीदी एकटाओ शिल्प इनॉगरेट करेंनी एवं केंद्रीय सरकार ने जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन भेजा था वो ट्रेन का भी नाम दीदी ने बोल दिया था करोना एक्सप्रेस है। जिनका वोट से सरकार बनाता है उनको अपमान भी करते हैं। धिक्कार जाना ये सरकार के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग अभी 65 से 34 में है वर्ल्ड टूरिज्म में। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। पहले हमारे देश में बस 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अभी हमारा देश 2nd largest प्रोड्यूसर कंपनी हो गया मोबाइल के लिए। 21 करोड़ गरीबों के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। 9.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो बीमा योजना देने का काम हमारे सरकार ने किया है। मोदी जी ने देश के छोटे छोटे बच्चे को एक नई तरीका से उड़ना भी सिखाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को अपने पसंद के जो सब्जेक्ट उसको पसंद है वो भी वो ले सकते हैं। अगर सेशन के बीच में उनको प्रॉब्लम होगा वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात है पश्चिम बंगाल ये एजुकेशन पॉलिसी को रोक दिया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के माध्यम से हमारे घर की काम करने वाली ड्राइवर स्त्री वाला भी पेंशन पाए इसका भी चिंता मोदी जी ने किया है। बताइए अगर टॉयलेट बनाना इतना छोटा काम होता तो आजादी के 75 साल बाद क्यों ये सरकार को 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाना पड़ता। बताइए अगर बैंक अकाउंट बनाना छोटा काम होता तो आजादी के 75 साल बाद क्यों 41 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट ये सरकार को बनाना पड़ता। आज हमारे अगले प्रजन्मों के विद्यासागर को लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि आज हमारी सरकार ने 2.5 करोड़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया है गरीबों को। उनके घर में 36 करोड़ एलईडी बल्ब देने का काम मोदी जी ने किया है। आज लोगों को कनेक्टिविटी चाहिए और उसके लिए देश को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम भी ये सरकार ने किया है। वोकल फॉर लोकल हमारे आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन है। अगर लोकल के लिए हम लोग वोकल नहीं होंगे तो आत्मनिर्भर भारत नहीं बना पाएंगे। तो आमार मन है जे एरकम एकटा जायगाय आमरा एसे पड़ेछि जे जतो किछु जा ग्लानि आछे सब किछु मुछे आमरा नतून भारत आत्मनिर्भर भारतेर दिके एगिए जाब। एबं रवीन्द्रनाथेर कथाय व्यर्थ प्राणेर आवर्जना पुड़िए फेले आगुन जालो एकला रातेर अंधकारे आमि चाई पथेर आलो। आज देश के महिला को टॉयलेट देके सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया है। उनके अकाउंट्स में पैसा देके उनके सशक्तकरण के करके सम्मान देना ये मोदी जी ने किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देना उनको सम्मान देना ये मोदी जी ने किया है।
रक्षा के क्षेत्र में आज महिला नए नए दायित्व में दायित्व पा रहा है, ये भी मोदी जी का सरकार ने किया है। हमारे राज्य के गुरुमा कोमली सोरेन को पद्मश्री का सम्मानित किया गया है। इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। इस टाइम में पश्चिम बंगाल में 7 लोगों को पद्मश्री मिले हैं और इसमें कोई भी राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ये भी हमारे मोदी जी ने किया है। प्रेग्नेंट महिला के पास खड़ा होना, महिला को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उचित विचार देना, ये भी हमारे मोदी जी ने किया है। 3 तलाक के खिलाफ कानून लेके हमारा मुसलमान बहनों को सम्मान देना, ये भी हमारे मोदी जी ने किया है। बंगाल में एक के बाद एक रेप अत्याचार होता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में होता है तब सांसद लोग को दीदी सरकार भेज देते हैं, जब मध्य प्रदेश में होता है सांसद लोग उधर चले जाता है, लेकिन बंगाल में हर दिन एक के बाद एक महिला लोगों का अत्याचार होते हैं। दीदी एकदम साइलेंट मूड में है, सांसद लोग एकदम साइलेंट मूड में है। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले 3 दिन हो गया है, 9 साल का सेंट्रल कोलकाता में 9 साल का एक लड़की का उसके फूल खा रेप करके उसको हत्या कर दिया है। ये हमारे बंगाल में होता है, दीदी एकदम साइलेंट मूड में है। बंगाल का जो माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हम उसके साथ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री 5 लाख तक फ्री में इलाज करने के लिए दिया है गरीब लोगों को, और इसमें पश्चिम बंगाल में 24,000 हॉस्पिटल को सुविधा मिलता है, लेकिन आयुष्मान भारत बंगाल में रोक दिया है। क्यों? क्योंकि आयुष्मान भारत से कटमनी नहीं मिलता है दीदी का सरकार को, इसलिए रोक दिया है। उन्होंने एक स्वास्थ्य साथी का कार्ड बनाया है, स्वास्थ्य साथी नाम दिया है, ना है पैसा ना है इलाज। वो स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके बहुत सारा पेशेंट टीवी में भी आता है, बहुत सारा पेशेंट एक एक हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन हॉस्पिटल का लोग बोलते हैं इसमें इलाज नहीं होगा, इसमें पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब लोग, बंगाल का जनता इसका नाम दिया है बैठो साथी, इसका नाम है बैठ साथी, इसका नाम है वोट आ गया है। इसलिए एक एक चालाकी, एक वोट के लिए मानुष को बोका बनाने का, जनता को बोका बनाने का एक स्ट्रेटेजी है। किसानों के लिए मोदी जी ने, सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए है। आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मनिर्भर किसान। स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को फॉलो करके MSP में वृद्धि हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों तक 1,14,000 रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है, लेकिन बहुत दुख की बात है, पश्चिम बंगाल में 74 लाख किसान हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनका नाम केंद्रीय सरकार को नहीं भेजा है, इसलिए किसानों के पास वो पैसा नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि अगर हमारा सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ जाएगा मई महीने से, तो पुराना जो पैसा था उनका 14,000 जो पैसा था वो भी दे देंगे। अभी वो किसान लोग अपेक्षा कर रहा है। अगर आपको राजनीति करना है तो हमारे साथ कीजिए, लेकिन आयुष्मान भारत को लेकर, किसान सम्मान निधि को लेकर, किसान के साथ, बंगाल के जनता के साथ राजनीति मत कीजिए। अगर आपको नाम चेंज करके देना है तो दे दीजिए ना, और हवाई चुट्टी बोल के, हवाई चुट्टी स्टैम्प लगा के वो भी दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए तो उनका तो अधिकार, उनको दीजिए, देना पड़ेगा। 100 से अधिक किसान रेल के माध्यम से सब्जी फल मछली देश के कई जगह तक जा रहा है, एवं मोदी जी किसान देर के अनेक अनेक सम्मान दिए। এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা আমি বলছি, এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কবু হবে না দেশোদ্ধার, সোনরে শ্রমিক সোনো ভাই চাষা, আমাদের বুকে যত ভালোবাসা, ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার। মোদিজি অন্নদাতাদের নিয়ে সবসময় চলেছেন, অন্নদাতারা যদি আগে না থাকে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ ভালো কখনো হবে না। দেশের ভবিষ্যতের জন্য অন্নদাতাদের সবসময় আগে প্রায়োরিটি দিয়েছেন, এবং অন্নদাতাদের সঙ্গে সঙ্গে উনি মৎস্য চাষিদেরকেও প্রায়োরিটি দিয়েছেন, এবং মৎস্য চাষিদের জন্য উনি অনেক কিছু করেছেন। এবং কেন মৎস্য চাষিদের কথা আমি বলছি,
কারণ আমরা জানি বাঙালি থাকে মাছে ভাতে, বাঙালি থাকে মাছে ভাতে, তো মাছ ছাড়া তো বাঙালি কথা বলে না। সেই জন্য মৎস্য চাষিদেরকেও যে সুবিধা দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা বলি, যে চাষি আমাদের দেশে, কৃষক আমাদের দেশে, চাষি কাছে আমরা কখনো এগোতে পারে না, দেশ এগোতে পারে না। এবং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, তুমি আমি কি দেশ, তুমি আমি দেশের কয়জন, আর এই কৃষিজীবী কয়জন, তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে, হিসাব করিলে তাহারাই দেশ, দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, তোমা হইতে আমা হইতে কোনো কার্য হইতে পারে, কিন্তু সকল কৃষিজীবী খেপিলে কে কোথায় থাকিবে, কিনা হইবে, যেখানে তাহাদের কোনো মঙ্গল নাই সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই। মমতা ব্যানার্জি সরকার আজকে বাংলার কৃষকদের কোনো মঙ্গল করেননি, বাংলার চাষিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, বাংলার চাষিদের সঙ্গে আজকে বিশ্বাসঘাতকতা এতটাই করেছেন যে বাংলার চাষিরা চোখের জল ফেলছে। যখন সিংহ সীমান্তে যাব আন্দোলন হো রা থা, আন্দোলন হতা হ্যায়, তব মমতা ব্যানার্জি জি কা সরকার সব সাংসদ কো গাজীপুর মে ভেজ দেতে হ্যায়। লেকিন 10 সাল হো গিয়া, কিসান লোক বঙ্গাল মে রো রহে হ্যায়, উনকে লিয়ে কুছ ভি নহীঁ হ্যায়, উনকে লিয়ে একদম সাইলেন্ট মুড মে হ্যায়। অভি ভি 40 দিন হো গিয়া হ্যায় বঙ্গাল মে, কলকাতা কে সামনে বিকাশ ভবন কে সামনে প্যারা টিচার্স লোক 40 দিন হো গিয়া হ্যায় আন্দোলন কর রহা হ্যায়, উসকে মাথে কে উপর ছাদ ভি নহীঁ হ্যায়। পিসি একদম, পিসি কা সরকার একদম সাইলেন্ট মুড মে হ্যায়। ক্যুঁ? পিসি ভাইপো কাজ সিন্ডিকেট কম্পানি হ্যাঁ, স্যালারি সে উনকা স্যালারি সে উসকো কাটমানি মিল রা হ্যায়। ইসলিয়ে সিঙ্গুরের কৃষক কাঁদছে, নন্দীগ্রামের কৃষক কাঁদছে, এবং বাংলায় কৃষিও নেই, বাংলায় শিল্পও নেই, তারা আবার কৃষকদের নিয়ে বড় বড় কথা বলে। অন্তত কৃষকদের নিয়ে বাংলার তৃণমূলের সরকারের কোনো বড় বড় কথা বলা উচিত না, কারণ কৃষকদেরকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবসময় আগে রেখেছেন। আমফানকে লিয়ে মোদীজি নে পয়সা ভেজা থা, লেকিন ও পয়সা ভি তৃণমূল কে নেতা মন্ত্রী কো পকেট মে চলা গিয়া হ্যায়। আপ লোক সোচিয়ে, কোই রাজ্য মে কে এসা হোতা হ্যায় কে বড়া ফর্ম ছপা থা উসমে কেয়া লিখা থা, জিসকে পাস পয়সা চলা গিয়া হ্যায় ও বাপস দে দিজিয়ে, জো প্রভাবিত হ্যায় উনকে পাস তো পয়সা নেই গিয়া থা, আর বাংলা কে জনতা কো মালুম হো গিয়া থা ইয়ে পয়সা তৃণমূল কা নেতা মন্ত্রী পঞ্চায়েত উনকা ফ্যামিলি মে চলা গিয়া হ্যায়, ইসলিয়ে তো ইতনা ফর্ম ভেজ ছপা থা জো পয়সা সব লোক বাপস দে দো। তো ইসলিয়ে জনতা নে বোলা চাল চোর সরকার আর নেই দরকার, আমফান কে লিয়ে ত্রিপল চোর সরকার আর নেই দরকার, গরু চোর সরকার আর নেই দরকার, কয়লা চোর সরকার আর নেই দরকার, আবি তো হো গিয়া ভ্যাকসিন চোর সরকার আর নেই দরকার। ভ্যাকসিন কো লেকার ভি রাজনীতি হো রহা হ্যায়, আপ সোচিয়ে ইতনা বড়া বড়া ঘর ঘর মে চিঠি ভেজা হ্যায় যে রাজ্য সরকার ফ্রি মে ভ্যাকসিন দে রহা হ্যায়, এসা লাগতা হ্যায় কি কালীঘাট মে ভ্যাকসিন হো রহা হ্যায় উনকা ঘর মে আর পাইপ সে পুরা দেশ মে জাতা হ্যায়, এসে লগ রহা হ্যায় ইতনা ইন্হোনে চিঠি দেয়া হ্যায় ফ্রি মে সরকার ভ্যাকসিন দে রহা হ্যায় রাজ্য সরকার, ইসকো লেকার ভি রাজনীতি। কেন্দ্রীয় সরকার নে যে ভি গাড়ি ভেজা থা উনকা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী নে ভ্যাকসিন কো ভ্যাকসিন কা গাড়ি কো বর্ধমান মে রোক দিয়া থা। আবি চুরি বিদ্যা উসকা নাম মত লেনা, ওকে স্যার, চুরি বিদ্যা পিসি ভাইপো ভালোই রপ্ত করেছে, ডিলিট থেকে শুরু করে ভাইপোর এমবিএ এই ডিগ্রিগুলোই হচ্ছে তার প্রমাণ। বাংলা সিলিকন ভ্যালিতে এখন গরু চড়ে, বাংলা কো সিলিকন ভ্যালি বানানে কা প্ল্যান থা সরকার কো, এখন ওখানে গরু চড়ে। আবি হাম আন্ডারওয়ার্ল্ড কে কাহানি বলিউড ফিল্মো মে দিখা হ্যায়, বহুত সারা ফিল্মো মে নাম সুনো হ্যায়, দাউদ কা ছোটা শাকিল কা উসমে হাম লোক দেখা হ্যায়, তোলাবাজি স্মাগলিং খুন খারাবি, আবি তো ইয়ে বঙ্গাল মে মিনি পাকিস্তান খিদিরপুর মেটিয়া বুরুজ উদর হোতা হ্যায়, কালীঘাট মে ভি আসপাস হোতা হ্যায়, সব লোক কো মালুম হো গিয়া হ্যায় তোলাবাজ কন হ্যায় ভাইপো হ্যায়, গরু চোর কন হ্যায় ভাইপো হ্যায়, কয়লা চোর কন হ্যায় ভাইপো হ্যায়। হাম লোক জানতে হ্যায় কি কয়লা কেলেঙ্কারি মে জো আদমি অভি সিবিআই কে পাস হ্যায় ওয়াঁ সে ভি পয়সা
भाईपो का परिवार में अकाउंट में चला गया है। वो अकाउंट कहां पे है? वो अकाउंट थाईलैंड में है, थाईलैंड में वो अकाउंट है। मीडिया अपने पास वो भी रिसीट आ गया है, आप देख सकते हैं। और वो थाईलैंड से जिधर से गोल्ड पचर, गोल्ड स्मगलिंग हुआ था वो भी है। हमारे पार्टी का 140 कार्यकर्ता का मौत के लिए खूनी कौन है? टीएमसी सरकार है। तुष्टिकरण का राजनीति कौन करता है? तृणमूल सरकार करते हैं। 30% का राजनीति कौन करता है? 30% का राजनीति वो भी तृणमूल सरकार करते हैं। राम सीता को लेकर राजनीति कौन करता है? वो भी टीएमसी करता है। इधर का सांसद लोग, मंत्री लोग राम सीता को अपमान करता है, सीता को अपमान करता है। हम लोग जानते हैं राम मंदिर बन रहा है इधर, पूरा देश उसमें सौंप दिया है खुद को, लेकिन बंगाल में राम का अपमान, सीता को अपमान करता है। 2021 में जनता इसका जवाब देंगे ही देंगे, जनता जवाब देंगे। जय श्री राम को लेकर राजनीति, जय श्री राम क्या गाली है? जब जय श्री राम बोलता है तो गाली समझकर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मेरा भी नाम नवमी मिचिल में, बंगाल का जनता जय श्री राम जब बोलता है उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। अरे जय श्री राम की सिर्फ बीजेपी का नारा नहीं है, पूरा देश का है। सब लोग रामायण पढ़े हैं, सब लोग महाभारत पढ़े हैं, हमारा भी है। हमारा भी रामनवमी के मिचिल में, हमारा भी जय श्री राम बोला थे इसके लिए हमारे भी ऊपर केस अभी तक चल रहा है। दुर्गा पूजा विसर्जन देने के लिए परमिशन देना पड़ता है कोर्ट से। सरस्वती पूजा तो अभी है, सरस्वती पूजा बंद भी कर दिया कोई कोई जगह में बंगाल में। When people of other political parties are not allowed to stand for panchayat elections in Bengal and elections are rigged by TMC goons in broad daylight, it is called erosion of electoral democracy. When helicopters of India's Home Minister Amit Shah ji not allowed to land in Bengal, it is erosion of democracy. मैं एक छोटा शायरी बोलता हूँ, कोशिश कर रही हूँ। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। बड़ा से बड़ा तानाशाह भी शर्मिंदा है जिनकी हरकतों से, वो लोग हमको यह नसीहत दे रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, लेकिन वही बंगाल से, बंगाल का मुख्यमंत्री ने चार राजधानी डिमांड किया है। पता नहीं है कौन सा राजधानी क्या देश को बनाना चाहता है, चार राजधानी डिमांड किया है। जिस बंगाल को सौरावर्दी से, जिन्ना से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बचाया था, वही बंगाल से बांग्लादेश का स्लोगन उठते हैं, जय बांग्ला बोल के, तृणमूल का स्लोगन है। हम लोग पश्चिम बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान नहीं करने देंगे। जहां जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, जहां जन्म लिए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। आमी गर्वित, आमी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बांग्लार माटीर में, जिनी 370 धारा सरानोर स्वप्न देखेछिलेन, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मुकुट कश्मीर से 370 हटा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरण किया है। आमी गर्वित, आमी सेई बांग्लार मेये जेखने कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऋषि अरविंद, सुभाषचंद्र बसु, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मातंगिनी हाजरा, क्षुदिराम बसु, आमादेर विद्यासागर एवं मा शारदा, मा दुर्गा, मा काली, मा लक्ष्मी, मा सरस्वती एखोनो विराजमान आछे। आमरा चाई सेई सोनार बांगला गड़ते, आमरा चाई शत अत्याचार होयेछे, जा दुर्नीति होयेछे आमरा खतम करे सेई तादेर बांगला गड़ते। सेई जोन्नो आमरा बोलबो जय मा दुर्गा, जय मा काली, खतम करो ए अत्याचारी। जय मा दुर्गा, जय मा काली, खतम करे अत्याचारी। एवं आमी आबार बोलबो, बारे बारे बोलबो, देशेर जन्य बोलबो, मरे जावार आगे अब्दि बोलबो, जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।